आप लोगों को आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सिंचाई विभाग की व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार दावा ठोकती है कि सिंचाई विभाग हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, उस चीज़ को मैं दिखाता हूं कि आप नहरों का हाल देखिए। ये है हमारे काकोरी ब्लॉक की नहर है जो सेमरा मऊ से ग्रैंड खेड़ा को निकली हुई है। आप देख रहे हैं पूरी सड़क, पूरी नहर जो है घास और फूस से पटी हुई है, कहीं भी पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार का दावा है कि हर बार लाखों रुपए इस पे, करोड़ों रुपये खर्चे किए जाते हैं सिंचाई विभाग की तरफ से नहरों की सफाई में, कि नहरें की सफाई कूड़ा करके हट जाए, बढ़िया ढंग से पानी जाए, फ्लो में पानी जाए, टेल तक पानी पहुंचे। लेकिन तमाम दावों को जो आप आंखों देखी देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के जो दावे खोखले व झूठे हैं। किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई विभाग की है, सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसका आप आंखों देखे हल देख रहे हैं कि किस तरह से नहरों का हाल है जो सरकार के झूठे दावे करती है। और इस समय ग्रामीण क्षेत्र में धान की रोपाई का काम चल रहा है। बेचारे गरीब किसान हमारे निजी साधनों से, नलकूपों की सहायता से जो है धान की रोपाई कर रहे हैं। इनको इस समय जो, जबकि बारिश के समय नहरों में पानी नहीं है, कितनी दुर्भावना या की बात है। चलिए गर्मी का हाल हो तो बात अलग है, जैसे बारिश के मौसम में भी किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समय धान की रोपाई बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन नहरों का पानी ना होने से उनकी लागत बढ़ रही है। इस लागत को निकालना मुश्किल है, करीब 80-100 रुपये प्रति घंटा नलकूप वाले निजी नलकूप ले रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको जब चाहिए तब पानी नहीं मिल सकता है, उनको नंबर लगाना पड़ता है पानी पाने के लिए, कि आज तुम्हारा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर। इस तरह से पानी उनको मिल पा रहा है। सरकार जो दावा करती है, योगी सरकार, कि हम किसानों की सरकार है, तो ये पूरी तरह से आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से फेल हो चुकी सरकार। ग्रामीण परेशान है, एक तो सिंचाई से परेशान है, ऊपर से आवारा जानवरों से परेशान है। किसानों की हाल उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत बुरे हैं। कोई भी जो है कल्याणकारी योजना इनके लिए नहीं चला रही है, बस सिर्फ कागजों पे जो भी दावे हो रहे हैं सिर्फ कागजी दावे हैं, कहीं जमीनी हकीकत पे कोई दावे नहीं है। मैं अमर उजाला चैनल की